हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा आपका 10th क्लास में स्वागत है। तो आज का टॉपिक यानी कि आज का विषय रहेगा हमारा अलंकार। तो आज यानी कि ये मेरी लास्ट वीडियो होगी, जो कि इससे पहले मैं कई बार आपको अभ्यास करा चुकी हूँ और आपको जो है डिटेल्स कंप्लीट समझा चुकी हूँ। तो आपने वीडियो देखी होगी, जिसने नहीं देखी तो वो अवश्य देखे, तो उससे जो है आपको कंप्लीट जो है अलंकार यानी कि पूरे विस्तार से जो है अलंकार आपको समझ में आ जाएंगे। तो आज जो है मैं एक तरीके से स्टार्टिंग से और यानी कि आरंभ से और अंतिम तक का जो है वीडियो दूंगी अलंकार की। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है अलंकार। सबसे पहले जो है कोई भी विषय है उसके बारे में जानकारी लेना सबसे ज़रूरी है हमारे लिए। कोई भी विषय हो, मान लिया उसका जो शीर्षक होता है तो वो क्या है, सबसे पहले हम उसको समझेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना अर्थात आभूषण। ये क्लियर हो गया? तो इसका अर्थ क्या हुआ, गहना अर्थात आभूषण। ठीक है, अगर हम इसकी लेते हैं डेफिनेशन यानी कि परिभाषा कि अलंकार जो है किसे कहते हैं, हमारे सामने ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, या फिर ये भी आ सकता है अलंकार से क्या तात्पर्य, वो एग्जामिनर के ऊपर बात है वो किस तरीके से आपको जो है ये समझाएगा कि आपको क्वेश्चन दे सकता है कि अलंकार किसे कहते हैं, अलंकार से क्या तात्पर्य है। अलंकार भिन्न भिन्न प्रकार के जो है क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं। तो इसका एक ही अर्थ होगा, क्या होगा कि इसकी परिभाषा कैसे दोगे, बिल्कुल इजी है, मैं ओरल ही आपको समझाऊंगी जिससे आपको समझ भी आ जाएगी। जिसको गहनता से अध्ययन करना है, गहराई से अध्ययन करना, तो वो बुक का भी सहारा या कॉपी का सहारा भी ले सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन होगी कि जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन के लिए यानी कि अपने को सजाने के लिए भिन्न भिन्न गहनों का प्रयोग करती है, तो ठीक उसी प्रकार अपने को सजाने के लिए कहीं टिक्के का, बिंदी का, कानों में कुंडल का, गले में हार का, तो भिन्न भिन्न गहनों का जो है अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए प्रयोग करती है, तो ठीक उसी प्रकार जो है कवि या लेखक जो होते हैं तो वो भी अपने काव्य की सुंदरता अर्थात कविता की सुंदरता को बढ़ाने के लिए या अपने साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए जो है भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। साहित्य से जो है मेरे मन में एक क्वेश्चन आता है कि साहित्य है क्या, साहित्य किसे कहते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन 10th क्लास में आ जाता है कि साहित्य क्या है, साहित्य के कितने भेद हैं। तो साहित्य है हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक गद्य साहित्य, गद्य, और एक पद साहित्य। जानते हो ना, गद्य यानी कि कहानी, संस्मरण, आलोचना, ये अलंकार का मैटर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ साहित्य का वर्णन किया ना, तो मैं साहित्य की जानकारी आपको दे रही हूँ, ये अलंकार का मैटर नहीं है। तो साहित्य यानी कि गद्य और एक पद्य यानी कि काव्य, समझ रहे हो ना, काव्य में कविताएं आती हैं और गद्य में कहानी, आलोचना, संस्मरण, रेखाचित्र, ये चीज आती हैं, तो उसको बोलते हैं हम गद्य। तो ये हो गए हमारे दो साहित्य, गद्य और पद्य। आगे चलते हैं कि जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन के लिए भिन्न भिन्न गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार जो है कवि या लेखक अपने साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया आपको? बोर्ड पे मैं ये कई बार समझा चुकी हूँ, आज मैं ओरल आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो ये होगी इसकी डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। सबसे पहले आप लिखोगे, परिभाषा लिखते हुए अलंकार, अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है गहना अर्थात आभूषण। फिर उसके बाद लिखोगे जिस प्रकार स्त्री अपने सौंदर्य वर्धन के लिए भिन्न भिन्न गहनों का प्रयोग करती है, ठीक उसी प्रकार जो है एक कवि या लेखक जो होता है वो अपने साहित्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न अलंकारों का प्रयोग करता है। फिर एक आता है कि अलंकार के कितने भेद हैं, अलंकार के
कितने भेद है? तो अलंकार के हमारे कितने भेद हैं बताएगा कोई बच्चा? दो भेद हैं। सबसे पहले शब्दालंकार, सेकंड आपका अर्थालंकार। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि शब्दालंकार क्या है, किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है शब्दा से? तो शब्दालंकार जो है हम किसे कहते हैं? तो शब्दालंकार जहां शब्दों के कारण, जहां पर कहां पर, जिस पंक्ति में, जिस दोहे में जो है शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। सेकंड है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार किसे कहते हैं, क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या समझते हैं? तो इस प्रकार के हर एक उसमें जो है क्वेश्चन आपके उठ सकते हैं। तो अर्थालंकार यानी कि जिन पंक्तियों में, जिन दोहों में अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है उसे अर्थालंकार कह देते हैं। तो शब्दालंकार का उदाहरण की कैसे कह दिया मैडम ने, यहाँ पे शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा, कैसे आपने अर्थों के मैं कह दिया किस प्रकार जो है इसमें अर्थ में चमत्कार होता है। तो शब्दालंकार में जो है शब्दों के कारण, जैसे तो शब्दालंकार में आता है कि कहां से शब्दों में जैसे चमत्कार उत्पन्न हो गया। तो उदाहरण में हम देखेंगे रघुपति राघव राजा राम। तो शब्दों में क्या है, र र र की आवृत्ति जो है प्रत्येक शब्द में है, तो इस कारण जो है यहाँ पर शब्दों में जो है चमत्कार उत्पन्न होने के कारण यहाँ पर क्या होगा हमारा शब्दालंकार। क्लियर? या कहीं और अन्य उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, च च च च की आवृत्ति जो है बार बार शब्दों में होने के कारण यहाँ पर जो है हमारा शब्दालंकार है। जैसे कई बार बच्चे एक उदाहरण बोलते हैं, पीतल के पपीते में पपीता पीला पीला बोलते हैं ना, सुना भी होगा आपने उदाहरण, तो ये भी आप जो है दे सकते हैं शब्दालंकार में। क्लियर? बहुत सारे उदाहरण है ऐसे। फिर आता है आपका अर्थालंकार का उदाहरण कि अर्थालंकार अर्थों के कारण कैसे चमत्कार उत्पन्न हो सकता है, कि जैसे ये है आपका पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला, तो पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला। तो यहाँ पर जो है किसकी तुलना, उपमेय की उपमान से तुलना की गई है, उपमेय की उपमान से जो है यहाँ पर तुलना की गई है, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा अर्थालंकार होगा, क्योंकि किसी मनुष्य के जो है हृदय की तुलना किसी पीपल के पत्ते से की गई है। तो यानी कि शब्दों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, किसके कारण, यहाँ पर अर्थों के कारण, अर्थ अलग अलग हो गए ना दोनों के, पीपर पात सरिसमन डोला कि मेरा जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोलता है, तो अर्थ हुआ ना चेंज। तो यहाँ पर जो है अर्थों के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, तो इसलिए जो है यहाँ पर क्या है हमारा अर्थालंकार। अब जो आता है क्वेश्चन हमारे सामने कि जो है शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर? तो शब्दालंकार जो है हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कौन बच्चा बताएगा? तीन प्रकार के। कौन कौन से? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। ये सभी को आते होंगे, अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब इनकी तीनों की परिभाषाएं हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो है हमारा आता है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। अनुप्रास अलंकार जो है जहां पर जिन पंक्तियों में, जिन दोहों में
एक व्यंजन की आवृत्ति, व्यंजन होते हैं क ख ग, समझ रहे हो ना, व्यंजन की आवृत्ति जो है बार बार आती है वहां, एक से अधिक बार, दो बार आए, तीन बार आए, चार बार, कितनी बार आए, एक से अधिक बार आए, तो वहां पर क्या होता है हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे अभी मैंने इतने उदाहरण दिए हैं, तुम्हें कौन बताएगा उदाहरण अनुप्रास का? यस, रघुपति राघव राजा राम। तो यहाँ पर जो है इस पंक्ति में रह रहे की आवृत्ति जो है बार बार होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। या चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तो यानी कि चारु चंद्र चंचल च च च की आवृत्ति जो है इस पंक्ति में बार बार होने के कारण यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर? और अन्य ऐसे उदाहरण आप इसके दे सकते हैं, ठीक है, अनुप्रास आगे समझ में। अब आता है आपका यमक अलंकार की, यमक अलंकार जो है किसे कहते हैं? यमक अलंकार जो होता है बेटा, सबसे पहले जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आए, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो या भिन्न भिन्न होता है, उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकाय, वो खाए बैराए जग में रहे बोराए। तो यहाँ पर जो है क्या आया है हमारा, कौन सा शब्द एक से अधिक बार आया? कनक, वेरी नाइस। तो कनक कनक या एक बार और कनक आ जाता तो उसके जो है हम अर्थ अलग अलग ही आपको बताते। जैसे एक कनक का अर्थ होता है धतूरा, मादक पदार्थ, जो नशीला मादक पदार्थ होता है धतूरा, एक कनक का अर्थ धतूरा। सेकंड जो कनक है आपका, उसका अर्थ होता है सोना, सोना। और अगर एक यहाँ पर दो ही कनक दिए हैं, अगर और मान लिया एक और कनक यहाँ पर आ जाता है तो उसका कनक का अर्थ होता है हमारा, जैसे हरियाणा प्रांत में गेहूं को कनक कहा जाता है। तो यानी कि तीन कनक, तीनों कनक के जो है भिन्न भिन्न अर्थ होने के कारण यहाँ पर क्या है हमारा, यमक अलंकार। क्लियर? तो इसके और अन्य उदाहरण दे सकते हैं आप, जैसे जगती जगती की मुख प्यास, आपकी बुक में है ये पंक्ति एक लेसन में, जगती जगती की मुख प्यास। तो यहाँ जो है जगती जगती दो बार आया है, जगती सोने से जागना, जगती समझ रहे हो ना कि जगती है वो, क्या जग रही है वो, जगती मीन्स है जागना, और एक जगती यानी कि जगत संसार। क्लियर? जगती मीन्स जगत संसार, और एक जगती यानी कि सोने से क्या जग रही है, जगती है, यानी कि जागना। तो दो अर्थ हो गए। एक और मैं इसका उदाहरण आपको देना चाहूंगी, काली घटा का घमंड घटा। तो एक जब हम सवाल करते हैं तो उसमें से घटाते हैं, कोई संख्या जो है उसमें से घटा कर दी जाती है, कम कर दी जाती है। घटाना मीन्स कम करना। मान लिया पांच है, पांच में से हमने दो संख्या कम कर दी, कम करने को ही तो घटा करते हैं ना। तो यानी कि एक घटा का अर्थ हो गया हमारा कम करना, संख्या को कम करना। और दूसरे घटा का अर्थ होता है बादल वाली घटा, समझ रहे ना, उसको भी तो घटा बोलते हैं ना बादलों को, कि घटा छा गई है। क्लियर? यानी कि दो बार यहाँ घटाई है तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है ना, ये भिन्न भिन्न। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। क्यों है यमक अलंकार, कौन बच्चा मेरे को बताएगा? घटा दो बार, अंक के अलग अलग शब्द होते हैं, अर्थ अलग अलग, क्योंकि जहाँ पर एक से अधिक बार कोई शब्द आए उसका अर्थ अलग अलग हो, भिन्न भिन्न हो, वो तो आप कैसी लैंग्वेज में हिंदी में लिखोगे ना, भिन्न भिन्न, कि अलग अलग हो। समझने के लिए हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन जो हिंदी में हम लिखेंगे जिसका अर्थ भिन्न भिन्न हो यानी कि अलग अलग हो, उसे जो है हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार।
नेक्स्ट आता है आपका श्लेष अलंकार, कि श्लेष अलंकार जो है किसे कहते हैं। श्लेष अलंकार जैसे मैंने आपको यमक में बताया, जहां पर एक शब्द जो है अनेक बार आए लेकिन उनका अर्थ अलग अलग हो, और श्लेष में जो है आपका होगा कि जहां पर एक शब्द आए और उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, यानी कि जिस प्रकार एक पर्यायवाची होता है, जैसे पानी का पर्यायवाची होता है तो उसके कितने अर्थ होते हैं, होते हैं, नहीं होते हैं, तो यहाँ पर एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे, एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ होंगे। और उसमें क्या था कि बहुत सारे शब्दों के अलग अलग अर्थ थे, समझ आ रही है। जैसे उदाहरण है, रहिमन पानी राखियो, बिन पानी सब सोन, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चोन। तो यहाँ जो है पानी की जो है एक अपने, जैसे हमारा अस्तित्व एक पानी के समान निर्मल, समझ रहे हैं ना, होता है, तो उसकी तुलना हमारे उससे भी की जाती है, व्यक्तित्व से भी, किसकी, पानी की तुलना, पानी की जो है हमारे व्यक्तित्व से भी समझी जाती है, कि हमारा व्यक्तित्व जो है एक पानी की तरह स्वच्छ है, समझ रहे ना। अगर हम कहा जाए कि इसमें आया रहीमन पानी राखियो, कि हे रहीमदास जी इस पानी को रखियो हमेशा के लिए, कि अगर पानी नहीं होगा तो मनुष्य का जो जीवन है वो सफल नहीं होगा। यानी कि आटा, इसमें एक आटे का भी जिक्र आया, तो आटा जो है बिना पानी के नहीं गूथा जाता, नहीं रोटी सिक सकती उससे भी, नहीं ना। और एक जिक्र आया इसमें चून, मोती मानुस चून, कि जो चूना होता है आपने देखा होगा पत्थर के टाइप का होता है मार्केट में, अगर नहीं देखा देखना, जो कि एक पत्थर टाइप होता है, और उसमें जो है हम किसी बड़े बर्तन में उसको रख के पानी डालते हैं तो वो खिल जाता है, खिलने के बाद जो है उसका हम क्या करते हैं, घरों में वाइट वॉश करते हैं, जिससे हमारे घर क्या हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। तो यहाँ भी पानी का महत्व है, तो एक पानी से जो है कितनी चीज़ें संभव है। अगर पानी नहीं होगा तो हमारा जीवन संभव नहीं होगा। क्लियर हो गया। ये कौन से अलंकार थे, शब्द अलंकार के तीन भेद, अनुप्रास, यमन और श्लेष। अब आता है आपका अर्थालंकार, कि अर्थालंकार किसे कहते हैं, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, जहाँ पर जिन दोहों में पंक्तियों में अर्थों के कारण जो है चमत्कार उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर जो है अर्थालंकार होता है। तो सबसे पहला आता है इसमें उपमा अलंकार, कौन सा है, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार जो है हम किसे कहते हैं, सबसे पहले देखो कोई भी क्वेश्चन जो है उसके बारे में जानना, उसके बारे में, उसके विषय में जानना सबसे पहले। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं, उपमा अलंकार से आप क्या समझते हैं, उपमा अलंकार से क्या तात्पर्य है, भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये नहीं कहना कि मैडम ने तो हमें ये कहा था कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं, तो तात्पर्य पूछ रहा है, तो ऐसे घबराने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। तो एक ही इसका होगा, सबसे पहले उपमेय और उपमान, ये दो चीजें याद रखनी है। उपमेय की जो है समानता की जाती है, उपमान से जो है उसकी समानता होती है, उपमेय की उपमान से समानता की जाती है और उससे ली जाती है। क्लियर। उपमेय का उपमान से संबंध किस प्रकार का, उससे मान लिया एक बच्चा जो है मैं इसको बोल रही हूं और ये सुन रही है, समझ गई ना, यही तो बताया था ना मैंने। तो जैसे मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो उसको, तो आपसे इसकी समानता होती है। तो ये तो है एक, इसके दो पहलू उपमेय और उपमान, जो कि ये आगे आगे चलते हैं। उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, उपमा अलंकार में क्या होता है बेटा, उपमेय से उपमान की तुलना की जाती है। मान लिया क्लास में दो विद्यार्थी हैं, दोनों जैसे निशांत और आयुष, हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए कि अगर आपसे एक तरीके से वोटिंग कराई जाए कि कौन बच्चा हाईएस्ट परसेंटेज ला सकता है, तो हमने दोनों की तुलना की है ना क्लासेज में, की है ना,
तो आपको पता होगा कौन बच्चा किसके हाई परसेंटेज आ सकती है, होगी नहीं तुलना? तो समझ गए निशांत से आयुष की, आयुष से निशांत की क्या की गई है यहाँ पर तुलना। ये उदाहरण मैंने आपके लिए इसलिए दिया कि समझ आ जाए, क्लियर। अब उदाहरण लेते हैं हम उपमा अलंकार का, कि उपमा अलंकार का क्या उदाहरण है, मैं दे चुकी हूँ एक बार पहले भी, ये पीपर पात सरिस मन डोला, पीपर पात सरिस मन डोला। तो यहाँ पर किससे किसकी तुलना की गई है, मन से पीपल के पत्ते की तुलना की गई है, मन से पीपल के पत्ते की तुलना, उपमेय से उपमान की तुलना की गई है। अब ये नहीं कहेंगे हम वहां पर कि मन से पीपल के पत्ते की तुलना की गई, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, उपमेय से उपमान की तुलना की गई है। इतना समझ आ गया, बस ये दो पहलू याद रखने हैं आपने, उपमेय से उपमान की तुलना, यदि उससे निशांत से आयुष को अच्छा समझते आए, आयुष से जो है निशांत को हम अच्छा मान सकते हैं, तो दोनों की उपमेय से उपमान की तुलना हो जाती है। आगे समझ इसका, जैसे पीपल पात सरिस मन डोला, पहले समझा चुकी हूँ मैं आपको कि पीपल के पत्ते के समान मेरा मन डोला, तो मन की तुलना जो है यहाँ पर पीपल के पत्ते से की गई है। आगे समझ उपमान अलंकार उपमा। नेक्स्ट आता है हमारा रूपक अलंकार, जो कि अर्थालंकार का सेकंड टॉपिक, रूपक अलंकार। एक और मैं अगर पहचान वीडियो में ही आपको बता रही, वैसे ये मेरा एक अलग का ही है, कोई बात नहीं, वीडियो में जाएगी पहचान समझने का, कि उपमान जैसे रूपक और उपमा अलंकार के दोनों के उदाहरण एक जैसे होते हैं, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार दोनों के उदाहरण एक जैसे होते हैं, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये रूप इसमें रूपक अलंकार है कि इसमें उपमा अलंकार है। उपमेय में जो है से, सा, सी ये आते हैं, जहाँ पर जो होता है ना उपमा होता है ना, वहाँ पर क्या उदाहरण में आएगा, स से, से सड़क, स से, सी, सू, तो कुछ भी ऐसा आ जाए तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया पीपर पात सरिस मन डोला, से आया यहाँ पर कहाँ आया, सरिस, 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 तो यहाँ पर हमारा कौन सा है उपमा अलंकार। यानी कि कहीं और भी अन्य उदाहरण आपके हो सकते हैं उपमा के, कि जिससे जो है आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है। बाकी का जो है मैं आपको कल बताऊंगी, एक बार स्टार्टिंग से अर्थालंकार शुरू से, ठीक है, कोई बात नहीं, ज्यादा वीडियो होगी तो कोई नहीं। उपमा अलंकार मैं वैसे आपको समझा चुकी हूँ, कल और बच्चे एक्स्ट्रा आएंगे, तो कल का टॉपिक जो है हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, यानी के अर्थालंकार से। अगर किसी बच्चे ने एडवांस यानी के एक्स्ट्रा कुछ उनको समझ नहीं आ रहा, वीडियो आपने देखी होगी, तो 1 बजे के बाद समझ सकते हो, 1:20 के बाद, ठीक है। तो आज जो है 10th क्लास के इतना ही, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।